हाय गाइस, आज मैं आपको बताने लगी हूँ एक अमेरिकन सोसाइटी की एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ जो कि इन लोगों में ये अपनी पुरानी चीज़ें बिल्कुल नहीं फेंकते। ये क्या करते हैं कि उनकी यार्ड सेल लगा देते हैं अपने फ्रंट यार्ड पर। यहाँ पर हर काफ़ी सारे घरों के आगे थोड़ी सी जगह होती है, तो उस घास पर ये क्या करते हैं, अपना पुराना सामान जो उनको नहीं चाहिए है वो वहाँ पर रख देते हैं और वहाँ पर साइन लगा देते हैं यार्ड सेल का, के लोगों के लिए, ताकि वो दूसरे लोग जो गुजर रहे हैं वहाँ से या गाड़ियों में जा रहे हैं वो आकर चीज़ें ख़रीद सकें। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो टेबल लगा लेते हैं और उसके ऊपर जो भी उनको चीज़ें नहीं चाहिए, कुछ फ्री चीज़ें दे देते हैं, कुछ एक एक डॉलर की चीज़ देते हैं या 50-50 सेंट्स की, या इस तरह से 100 सेंट्स का एक डॉलर होता है तो उसके हिसाब से लोगों को चीज़ें दे देते हैं। और जो काफ़ी अगर कोई कीमती चीज़ हो तो वो थोड़ी एक्सपेंसिव भी दे देते हैं। यहाँ पर आपको दिखाते चलें कि ये रियल तस्वीरें हैं जो मैंने ऑनलाइन सोर्सेस से ली हैं, ताकि मैं आपको बता सकूं कि ये मतलब कैसे लोग ऑर्गेनाइज़ करते हैं। कभी कभी पूरा मोहल्ला करता है और कभी कभी 4-5 फैमिलीज मिलकर इस तरह से सेल लगाती हैं। कभी ऐसा होता है कि जैसे हम सेल से कोई चीज़ लेते हैं लेकिन उसको इस्तेमाल नहीं करते, तो क्या होता है कि वो पड़ी रहती है, तो ये लोग जो हैं वो एक दूसरे को बेच देते हैं इस तरह से सेल लगाकर, समर और स्प्रिंग के महीनों में, फॉल के महीनों में, तो ताकि दूसरे लोग, और कुछ लोग तो यहाँ से ही चीज़ें, मतलब काफ़ी ज़रूरत की चीज़ें भी ख़रीद लेते हैं जिससे उनको काफ़ी फ़ायदा होता है। आज हम एक जगह से गुजर रहे थे तो वहाँ पर मैंने गैराज सेल का साइन देखा, तो मैं मेरी मम्मी और मेरे बच्चे हम लोग थोड़ी देर के लिए वहाँ पर रुके ताकि जो है ना हम भी ब्राउज़ कर सकें कि कोई अच्छी चीज़ मतलब है जो हमारे लिए यूज़फुल हो। तो मैंने वहाँ पर रहकर वीडियो बनाई ताकि मैं आपको सब दिखा सकूँ। ये देखें, वो चेयर्स, ये चेयर्स भी बेच रहे हैं, जो सलोन टाइप की कोई चेयर्स लग रही हैं वो बेच रहे हैं। पुरानी किताबें हैं, यू नो, पुरानी किताबें भी अगर किसी को नई ज़रूरत अपनी पुरानी किताबों की, वो उसकी सेल लगा देते हैं और लोगों को कई दफ़ा फ्री में भी दे देते हैं अगर कोई मतलब बहुत ही पुरानी बुक हो या इस तरह से। तो मैं सारा अराउंड जाऊंगी और आपको मैं दिखाऊंगी। ये पुराने सारे टूल्स हैं, टूल्स हालांकि बहुत एक्सपेंसिव हैं अमेरिका में, लेकिन यहाँ पर कुछ पुरानी छोटी छोटी चेयर पड़ी है और इस तरह से, और भी बहुत सारे लोग रुके हुए थे। और ये कोई ट्रैक था, ट्रेन ट्रैक, वो भी सेल पे लगाया था। ये कुछ छुरियाँ, चाकू पुरानी, और ये पुरानी स्टैम्प्स की एक पूरी एल्बम सी थी जो कि ईबे पे लोग खैर बहुत एक्सपेंसिव बेचते हैं, बट मुझे तो कोई इंटरेस्ट नहीं था इन चीज़ों में। ये मेरी लड़की ने एक डॉल उठाई थी और फिर उसने रख दी वापस, तो ये पुरानी कोई गुड़िया है जो कि सेल के लिए थी। अलबत्त बहुत सारी पुरानी चीज़ें जो हैं लोग इस तरह से बेच देते हैं अपनी पुरानी, ये भी उनके माँ बाप के ज़माने की होंगी मेरे ख्याल से। और ये ज्वेलरी भी बहुत पुरानी सी थी, लेकिन ये है कि कुछ कुछ चीज़ें अच्छी बीच में नज़र आ जाती हैं जो कि आप ख़रीद सकते हैं, मतलब यू नो ले सकते हैं। ये पुराने बैरल, पुरानी साइकिल, पुरानी स्केट शूज़ यहाँ पर पड़े हैं, और ये पुरानी पेंटिंग्स भी हैं। ये पेंटिंग मुझे बहुत एक्चुअली पसंद आई, मैंने ख़रीदी भी। और ये कोई पुराना सा सर्टिफिकेट है, पता नहीं किस चीज़ का है, लेकिन ये भी और ये वो जो उस तरफ पेंटिंग पड़ी थी, पिंजरे, यू नो, ये सारी चीज़ें वो बेचना शुरू कर देते हैं। और अपने पुराने कपड़े भी ऊपर आप लटके हुए कपड़े देख सकते हैं। ये कोई लकड़ी की ट्रेन है और ये पुराने, इन्होंने कोई पिछले साल मेरे ख्याल से लिए होंगे, बीज हैं ये वेजिटेबल्स के, ये भी आप मतलब बेचने के लिए रखे हो, उन्होंने इस्तेमाल नहीं किए होंगे। ये वेइंग मशीन सी है, वो भी रेडियो, कैलकुलेटर पुराने ज़माने का। एक्चुअली ये तो कलेक्टर्स आइटम्स हैं, ये आप ख़रीद के बाद में कई लोग बेच भी देते हैं, लेकिन मुझे उन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन फिर भी ये खिलौने मेरी लड़की को बहुत पसंद आए थे, उसने कुछ खिलौने यहाँ से लिए भी, मेरे ख्याल से फ्री में इसने ले लिए थे। ये बोट है, ये प्लैनेट ऑफ एप्स के मूवी के बारे में कोई कैरेक्टर है वो है। ये भी लोग ऐसे मतलब ख़रीदते हैं जिनको पसंद है वो मूवी। ये हार्ली डेविडसन के बूट थे, ये भी सेल के लिए थे। एक्चुअली काफ़ी एक्सपेंसिव आते हैं, बट या कुछ लोग जो उन हार्ली डेविडसन की, ये बाइबल पड़ी थी, ये भी सेल के लिए थी। ये इसका प्रिंट बहुत 19वीं-18वीं सदी का लग रहा था, और शुरू में उनके, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उनके जो है अबाव जदाद की डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ भी लिखी हुई थी, जो कि फैमिली में ये बाइबल बहुत देर से होगी तो इसलिए उन्होंने ये काफ़ी सारी पुरानी चीज़ें, और भी यू नो दूसरे किस्म के कैमराज वगैरह भी
सेल के लिए थे, और ये गाड़ियाँ टॉयज हैं छोटे छोटे जो वो बेच देते हैं। पाकिस्तान वगैरह में ऐसे मैंने तो कभी नहीं देखा छोटी छोटी सेल्स लोग लगाते हों, लेकिन यहाँ पर ये बहुत लोग करते हैं इस तरह से। थोड़े जब गर्म होता है ना, ये कोई घड़ी थी पुरानी सी लेगो वाली, ये आई थिंक यूज्ड थी, पता नहीं, वो स्टार वॉर्स का कैरेक्टर है, वो भी सेल के लिए। ग्लाइडर्स हैं इस तरह के, जो लोग इस तरह के मतलब चीज़ें पसंद करते हैं लेना वो ये खरीद सकते हैं। ये टोंग से, वुडन टोंग से पता नहीं क्या है, ये कुछ और पुराने आइटम्स हैं। ये इस केस में इन्होंने ना ये ऐसे बूट से थे पुराने पुराने, और कुछ और चीज़ें थी मतलब बैजेस और ये वो इस तरह के, जो कपड़ों पे पैचेस नहीं लगाते वो इस तरह के थे। ये एक बुक थी ऊपर स्टेन्ड ग्लास के बारे में, तो ये स्टेन्ड ग्लास एक्चुअली मुझे बहुत पसंद है, बट या उसके पैटर्न्स के बारे में ये बुक थी कि आपने अगर करना हो तो आप कैसे मतलब उसको कर सकते हैं। ये टर्टल छोटा सा खिलौना इस तरह से। फिर मैं दूसरी साइड पर गई और वहाँ पेंटिंग्स के साइड पर ये वाली पेंटिंग मुझे बहुत पसंद आई। मैंने उसको आई थिंक $15 की थी, ऊपर छोटा सा वाइट टैग लगा हुआ है, $15 पे लिखा हुआ है पिंजरा। ये छोटा सा, वो छोटा सा बॉक्स देखें कितना, और ये स्टार है, ये घर के बाहर लोग कई दफ़ा लगाते हैं अपने घर के बाहर ना। ये ऐसे साइंस हैं, ये वो है जो निशानाबाजी नहीं उस पर करते, उसको कुछ कहते हैं पोकर बोर्ड नहीं पता नहीं क्या कहते हैं। ये कुछ बॉटल्स मतलब वो सेल कर रहे हैं। ये लकड़ी की चेयर जिससे वो डेस्क सब इसके साथ लगा हुआ है, ये भी फॉर सेल थी पर काफ़ी पुरानी थी और उसकी हालत थोड़ी इतनी अच्छी नहीं थी। ये साइकिल, तो इस पर मोटर भी लगी हुई थी। ये कुछ ऐसे बक्सा सा है, ये ट्रेजर बॉक्स इसको लोग कई दफ़ा कहते हैं, और ये कुछ और टूल्स है जिनकी मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं थी कि ये क्या है, बट या और ये भी कोई काम की चीज़ थी। माइक्रोसॉफ्ट, ये पुराना कोई माइक्रोसॉफ्ट डिलक्स, वाओ, पता नहीं क्या था बट मैंने तो नहीं लिया, बट या कुछ बहुत पुराने टूल्स थे मेरे ख्याल से। वो कह रहे थे कि ये चार फैमिलीज इकट्ठी होकर तो उन्होंने अपना पुराना सामान निकाला गैराज से और वो इसको बेचने की कोशिश कर रहे हैं। ये पुरानी बॉटल्स मुझे एक्चुअली इस तरह की बॉटल्स बहुत पसंद आती हैं, मैं उनमें फूल लगाती हूँ अपने घर में, तो ये मैंने एक दो बॉटल्स उनसे ली थी। ये कोका कोला हैट्स थी $5 की एक, और वो भी सेल कर रहे थे वो। ये छोटा सा पुराना सा क्लॉक था, इतना बहुत पुराने ज़माने का, पर ये कितना क्यूट है, यू नो पुरानी चीज़ों में एक अपनी ही अट्रैक्शन होती है। और ये कोका कोला की पुराने ज़माने की बॉटल, ये कोई ये भी कोई और बॉटल, क्लियर बॉटल मैंने ली, ये वाली क्लियर बॉटल मैंने ली थी। ये पुराने ज़माने की मिल्क बॉटल मेरे पास लगती है, और वो जो पीछे पड़ी है ब्राउन सी बॉटल, वो ऐसे दारू की बॉटल लगती है, बट पता नहीं, मैंने भी उसको ख़रीदा है। मैंने कहा उसमें वाइट या येलो फूल मैं लगाऊंगी तो बहुत खूबसूरत लगेंगे। ये आप कुछ और चीज़ें सेल के लिए हैं, आप देख सकते हैं, मतलब ऐसे छोटी छोटी चीज़ें ना ये अमेरिकन लोग जो है ना ये फेंकते नहीं हैं, ये रख लेते हैं। अच्छा, ये बकेट्स वगैरह भी सेल के लिए थी, बास्केट वगैरह सी, तो वो मैंने खैर नहीं ली। ये साइकिल भी सेल पर दे रहे थे, आई थिंक $30 की थी ये साइकिल जो है। Yeah, और भी बहुत सारी चीज़ें थी। ये कोई और औरत भी शॉपिंग कर रही थी वहाँ पर, ये मेरे से खैर बात मेरे से फिर हम मज़ीद आगे चलते गए, और वो जो पेंटिंग थी वो मैंने साइड पर रख दी अपने लिए, क्योंकि मुझे बहुत पसंद आई थी, पुराने ज़माने की पेंटिंग है। अच्छा, फिर मैं दोबारा इस टेबल पर आई, मैं देख आपके लिए वीडियो बनाना चाह रही थी, तो मैंने कहा मैं चलें आपको दिखाती हूँ। ये गाड़ी थी, ये वुडन गाड़ी है, और ऐसे एंटीक सा लग रहा था, बट उसके टायर थोड़े ख़राब से थे। ये और भी पुराना जंग आलूदा सामान, वो पंखे वगैरह पता नहीं कहाँ यूज़ करते होंगे ये पंखे, बट या ये सारे पुराने स्केट शूज़ वगैरह भी सेल पे थे।